हाँ, ऑप्शन स्ट्रेटजी कर रहे थे बेटे हम लोग, और उसमें हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। तो पार्ट नंबर वन में हमने जो पढ़ा ऑप्शन स्ट्रेटजी के अंदर, स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल्स। पार्ट नंबर टू उसका पढ़ा, उसमें दो पढ़े, स्ट्रैप एंड स्ट्रिप। अब इम्पोर्टेंट, और वो है बुल एंड बियरिश। बुल एंड बियरिश पढ़ने वाले। वैसे बुल क्या होता होगा? सर, बुल का मतलब हम ये समझते हैं बेसिकली कि मार्केट जो है वो अप होने वाला है, प्राइस अप होने वाला, तो बुलिश बोलते हैं इसको, ठीक। अब बियरिश क्या होता? बियरिश का मतलब मार्केट डाउन होने वाला रहता है या शेयर का प्राइस डाउन होने वाला रहता, तो हम कहते हैं कि बियरिश है, ठीक। अभी तक हमको यही पता। खैर, मैं स्ट्रेटजी बनाना सिखाऊंगा इसमें। खास बात क्या है बुल और बियरिश में? स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में आप ऑप्शन खरीदते थे, स्ट्रिप और स्ट्रेप में भी आप ऑप्शन खरीदते थे, लेकिन बुल एंड बेरिश में ऐसा काम नहीं होगा। ऑप्शन खरीदा भी जाएगा, ऑप्शन बेचा भी जाएगा। एक ही पर्सन ऑप्शन खरीदेगा और एक ऑप्शन बेचेगा, तो इसको बोला जाएगा स्प्रेड्स बोला जाता है। फिर भी हम स्ट्रेटजी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनको भी मैं चार पार्ट में डिस्कस करवाऊंगा। ए बुल, विथ कॉल ऑप्शन। इसका मतलब बुल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन किसको लेकर बनाएंगे? सिर्फ कॉल ऑप्शंस को। बी बियरिश विथ पुट ऑप्शंस, पुट ऑप्शन की मदद से बियरिश स्ट्रेटजी बनाएगी। सी बुल विथ पुट ऑप्शंस। अच्छा सर, ये कैसे पॉसिबल है? बुल बढ़ेगा और पुट के थ्रू कैसे काम होगा? क्योंकि पुट तो होता है कि प्राइस गिरना ही वाला। हाँ बेटे, सब देखो ना, कुछ करेंगे ऑटोमेटिक बात समझ में। एंड डी बियरिश विथ कॉल ऑप्शन। तो इस तरह से हम काम करेंगे, बुल बियरिश कॉल के थ्रू, पुट के थ्रू। अच्छा, याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा समझाने का। एक बार समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं याद में करवा दूंगा कि किस तरह से काम होगा। पर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मत सोचना कि ये कैसे याद रहेगा। एक बार ये चारों हो जाने देना, उसके बाद मैं आपको सारी बातें याद करा दूंगा। तो कैटेगरी बुल एंड बियरिश पढ़े, उसमें से सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम बुल विथ कॉल। तो मेरे साथ साथ लिखोगे बेटे, बुल स्ट्रैटेजी विथ कॉल ऑप्शन, कैटेगरी नंबर वन, बुल विथ कॉल ऑप्शन, अच्छा। अब सुनते जाना सारी बातें। ये बताओ, बुल का मतलब क्या होता है? सर, बुल का मतलब ये होता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस अप होने वाला है, ठीक है। कॉल ऑप्शन कब खरीदते? सर वही तो, जब प्राइस अप होगा, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस अप होगा, राइज होगा, बढ़ने वाला, तो हम कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, ठीक बेटे। अब मेरी सारी बातें सुनना। तो हम गए स्टॉक एक्सचेंज के पास, रिलायंस के शेयर का 3 महीने बाद का कौन सा ऑप्शन खरीदने के? कॉल ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस मान लो 1500 रुपए, 1500, 1500। अच्छा सर, प्रीमियम कितना लग रहा है? प्रीमियम मान लो कुछ भी ले लेते हैं, 240 रुपए पैट करना पड़ा, ठीक है। और हम खुश, हमने कहा चलो यार कॉल ऑप्शन खरीदते, एक्सरसाइज प्राइस 1500, और 1500 से ऊपर जाएगा तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे।
पर इसके लिए क्या देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। और प्रीमियम कितना रुपए लग रहा है, 240। और हम बहुत खुश है कि चलो यार कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। अच्छा कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो बता सकते हो कितने का लॉस दिख रहा है सर, 240 का, सिर्फ प्रीमियम का। अगर प्राइस कम होता तो 240 ही तो जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। मैं भी अपने दोस्त को बता रहा हूं, देखो यार कॉल ऑप्शन खरीदते अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा तो, और अगर कम हुआ तो सिर्फ 200 चले जाएगा। वो बोले फिर से बोलो क्या बोल रहा। मैंने कहा प्राइस अगर बढ़ेगा 1500 रुपए से तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। बोले अच्छा कितना होगा। मैंने कहा प्राइस यार 2000 भी हो सकता, 1200, 1500 से 1600 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। बोले बेकार की बात है, 1500 से बढ़ सकता है मैं भी मानता हूं, पर 1500 से कितना रुपए बढ़ जाएगा भाई 3 महीने में। रिलायंस का शेयर क्या 10000 रुपए प्राइस हो जाएगा, बेकार की बात है। तो ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये बस किताबों में अच्छा लग रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट कहां से बेटे। प्रॉफिट शेयर का प्राइस, चलो आप बोल रहे हो बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1600, 1700, 1800, 1900, एक लिमिट तो होगी। हमने कहा भाई बढ़ेगा जरूर, पर कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। बोले जितने भी हो क्या लग रहा है आपको। मैंने कहा यार 1500 से बढ़ेगा, पर 2000 रुपए तक तो जाएगा ही जाएगा, 2000 रुपए ऐसा लग रहा है, 2000 रुपए। तो बोले एक काम करो, आप बेवकूफी मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीद क्यों रहे हो, कोई ना कोई ऐसा आदमी है जिसको और कॉल ऑप्शन खरीदना है। मैंने कहा तो बोले एक काम करो, स्टॉक एक्सचेंज में ही पता करो कॉल ऑप्शन क्या चल रहा है। तो कॉल ऑप्शन और एक प्राइस है, और एक एक्सरसाइज प्राइस 2000। और मतलब कॉल ऑप्शन ये वाला कब एक्सरसाइज होगा, जब 2000 से ऊपर जाएगा। अच्छा इसके लिए प्रीमियम कितना सोच के, तो 1500 में खरीदने का राइट, और 2000 में, तो इसके लिए तो प्रीमियम कम आएगा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। कॉल ऑप्शन का बेसिक मीनिंग क्या है, बुकिस राइट टू बाय। तो 1500 में खरीदने का राइट है सस्ते में तो 240, पर अगर 2000 में खरीदना तो प्रीमियम थोड़ा सा कम ले लेते हैं। प्रीमियम कितना ले लेते हैं, 125, 125 रुपए प्रीमियम। तो बोले देखो आप ऐसा करो, मेरा दोस्त मुझे समझा रहा, बोले कॉल ऑप्शन आप खरीद तो लो 1500 वाला। मैंने कहा ठीक है। बोले प्रीमियम भी पैट करना पड़ेगा 240। बोले पर आप भी सच जानते हो कि शेयर का प्राइस 1500 से ऊपर तो जाएगा, पर एक लिमिट तो होगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो बोले एक काम करो, 2000 और एक एक से, उस पे कॉल ऑप्शन राइट कर दो। मैंने कहा अच्छा। और बोले आप बदले में राइट करोगे ना, बेचोगे कॉल ऑप्शन, तो आपको प्रीमियम मिलेगा। बोले ये 125 रुपए मिल जाएगा, आपके जेब से 240 गया, पर 125 मिल तो गया, तो आपका पैसा भी कम पड़ गया, और टेंशन है मतलब 240 लगे पर 125 तो तुरंत मिल गया आपको। तो बोले ये जो है ना आपका ये प्रीमियम का पैसा, ये बच जाएगा थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी बोले आप भी जानते हो कि दो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 2000 से ऊपर तो जाएगा नहीं, जाएगा तो बाद में देख लेंगे। तो बोले 2000 से ऊपर जाएगा नहीं तो टेंशन ही खत्म नहीं यार, सामने वाला एक्सरसाइज करेगा नहीं 2000 पे, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं स्ट्रेटजी ऐसी बना रहा हूं, क्या सोचा हूं सुनना बोल के विषय में। मुझे मालूम है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, 1500 से ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं 1500 वाला, और प्रीमियम कितना दे रहा हूं, 240। पर यह भी अच्छे से मालूम है ऊपर तो जाएगा, पर ऊपर ऐसा नहीं कि कुछ भी पहुंच जाएगा, कितना, थोड़ा 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 2000 तक, उससे ज्यादा तो जाना नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन राइट कर दिया, किसी को भेज दिया कि भैया 2000 से ऊपर जाएगा ना आप आ जाना, मुझसे प्रॉफिट जो भी फायदा होगा ना वो लेने, बदले में मुझे प्रीमियम दे दो। तो मेरे पास प्रीमियम गया 240 और प्रीमियम आया 125, तो जो मुझे 240 लगना था वो मेरा कम हो गया कॉस्ट, ये एक फायदा। ठीक है, दिस इज बुल। अब इसको मैं समझाता हूं, इसको लिखेंगे क्या, बुल में क्या होता है। पहला डॉट दे रहा हूं, मैंने क्या किया, बाय वन कॉल ऑप्शन, ठीक है, लोअर एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज 1500, 1500 रुपए में मैंने ऑप्शन बाय किया, एंड
सेल वन कॉल ऑप्शन हायर एक्सरसाइज प्राइस दैट इज 2000। ये मैंने काम किया। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो प्राइस है, 1500 2000, ऐसे इसको ऐसे 1500 और 2000, तो जो कम वाला एक्सरसाइज प्राइस है ना, इस पे मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, मतलब मैं प्लस लिख सकता हूं, और जो बड़ा वाला एक्सरसाइज प्राइस है इस पे मैं ऑप्शन बेच रहा हूं, कॉल ऑप्शन ही बेच रहा हूं। कम वाले पे खरीदा प्लस का साइन, और ज्यादा वाला एक्सरसाइज प्राइस पे मैंने बेचा, इसलिए ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन स्ट्रेटजी अब मेरी ऐसी बनी। मैंने क्या किया, बाय किया वन कॉल ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस कितना बेटे 1500 से ऊपर जाएगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, पर प्रीमियम भी देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 240। इसके अलावा मैंने और काम क्या किया, राइट या सेल वन कॉल ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस 2000, और प्रीमियम आया कितना आया, 125। अच्छा, मैंने राइट किया, राइट इसका मतलब 2000 से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कौन करेगा, सामने वाला कॉल एक्सरसाइज करेगा, सामने वाला करेगा बेटे 2000 पे। और सर यहां यहां तो हम कर लेंगे, ठीक है, तो सामने वाले को हमने राइट बेचा तो बदले में हमको प्रीमियम मिला, तो बता सकते हो मेरा कॉस्ट कितना पड़ा इनिशियल। सर 240 गया और 125 आया, तो 240 माइनस 125, कैलकुलेटर तो कितना होता है देखते हैं। 240, 240 माइनस 125, तो बेटे ये आ रहा है 115 रुपये नेट मेरे जेब से जा रहा है। इसको सर क्या नाम दे सकते, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी बोल सकते कि बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, मेरे जेब से आज जा रहा, आज आज को क्या बोलेंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल आज मेरे जेब से 115 रुपये चला गया, ठीक है। ये इस तरह से काम किया मैंने। बोल में हमसे मैक्सिमम एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एक तो वो पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ठीक है, दूसरा क्या बोलेगा, बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, और तीसरा क्या पूछ सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर पूछेगा तो इन सब के लिए ना कहीं आपको पे ऑफ ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी मजा है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, बस बेटे इस पर फोकस करना, ये लो ये एक ये ले लिया मैंने शंट, ये जीरो, इससे ऊपर गया तो प्रॉफिट और जीरो से नीचे गया तो लॉस। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कितनी दिख रही है, तो एक्सरसाइज प्राइस मेरे पास दो है, कितनी कितनी है, एक तो है 1500 1500 और एक कितना है 2000। अच्छा एक बात बताओ, मेरे जेब से आज कितना जा चुका है, 115, ठीक है इनिशियल। मैं कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करूंगा, जब 1500 से ऊपर बढ़ेगा, और सामने वाला कब एक्सरसाइज करेगा, जब 2000 से ऊपर बढ़ेगा, 2000 से ऊपर। अब समझना ठीक से बेटे, मान लो रेट 1500 से नीचे है, अगर रेट 2000 से नीचे है तो सामने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर मान लो शेयर का प्राइस 800 रुपए हो गया, 800 रुपए 800,
तो सोचो क्या होगा सर, ना तो सामने वाला एक्सरसाइज कर सकता है, ना तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। दोनों ही बर्बाद हो गए, ये भी बर्बाद हो गया और मैं भी बर्बाद हो गया, मेरा भी उसका भी ऑप्शन लैप्स हो गया, मेरा भी ऑप्शन। और मेरा अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम क्या हुआ भाई, जो गया है जेब से आज 115, 115 से ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता। तो हाँ बेटे, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 115, और वो भी कब हो सकता है, जब शेयर का प्राइस 1500 से नीचे। ना तो वो एक्सरसाइज कर पाया, ना तो मैं एक्सरसाइज कर पाया, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं मैक्सिमम लॉस कितना, तो मैक्सिमम लॉस सीधा सीधा दिख रहा है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, जितना मेरे जेब से गया, दैट इज रुपीज 115, ठीक है, यहां तक ठीक है सर। सर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, चलो सोचते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। सुनोगे ध्यान से, अब सुनना बेटे ध्यान से। मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा कितना, 1500, तो मुझे कब फायदा होगा, 1500 से ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, पर मैंने सामने वाले को कॉल ऑप्शन राइट कर दिया, कितने में, 2000, तो वो कब कॉल ऑप्शन एक्सेस, जब 2000 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही, हालांकि मेरे जेब से आज कितना रुपए जा चुका है, 115, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ प्राइस बढ़े बढ़े, मैं खुश हो रहा हूँ बेटे, प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा, मेरा फायदा होते जा रहा, होते जा रहा, होते। लेकिन जैसे ही 2000 तक पहुंचे, अब मुझे जितना फायदा होगा 2000 के ऊपर, तो उतना फायदा ये भी तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा सामने वाला, और वो फायदा वो मुझसे ले जा लेगा। इट मीन्स कि मेरा यहां तक फायदा ठीक है, इसके बाद का जितना भी प्रॉफिट है सामने वाला ले जा लेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी तो 2000 के ऊपर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। तो अब बात करते कि मेरा मैक्सिमम फायदा कितना हो सकता है। सर यहां 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 2000 तक फायदा हो सकता है। अगर मैं देखूं मेरा मैक्सिमम फायदा हो सकता है 2000 माइनस 1500, 500 रुपए का, पर उसमें से ऑलरेडी मैंने 115 तो शुरू में ही खर्च कर दिए, तो बताइए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 2000 माइनस 1500 माइनस 115, 385 का प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 385। सर तो ये 385 निकालते कैसे मैं बेटे, इसका वैसे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला, और फॉर्मूला ऐसा है, डिफरेंस इन एक्सरसाइज प्राइस माइनस मैक्सिमम लॉस। तो डिफरेंस इन एक्सरसाइज प्राइस मतलब ये एक एक्सरसाइज प्राइस, ये एक्सरसाइज प्राइस, तो 2000 माइनस 1500, 500, और इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस 115, तो बेटे ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट 385। अच्छा 385 का मैक्सिमम प्रॉफिट 1500 से ऊपर 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 कहाँ तक, 2000 तक, और 2000 के बाद तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, 1500 से ऊपर होने पे यहां से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद नहीं, मतलब यहां से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, पर 2000 के बाद सिर्फ 385 ही रह जाएगा, ठीक है सर। सर अब बात करो बीपी की, बीपी, हाँ तो बीपी सुनना बेटे, मैं क्या चाहूंगा, मेरा खर्च कितना हो गया, 115 रुपए खर्च हो गए, 115, तो मैं चाहूंगा भगवान प्राइस बढ़ा दो, 1500 से बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 115 तो बढ़ा दीजिए। तो मेरा बीपी कितने पे आएगा, 1500 प्लस 115, 1615 पर। और यहां भी देखो, यहां फोकस करना बिट्टे, 115 रिकवर करना है, ये है एक्सरसाइज प्राइस, तो बेटे ये तो बढ़ना चाहिए ना, बड़ा 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 बड़ा, और कितने से बढ़ना चाहिए, 115 से, तो आंसर कितना आ गया, 1500 प्लस 1500 प्लस 115 खर्च हुआ ना आपका, तो बेटे ये आ गया बीपी, कितने पे आ गया, 1615, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बन सकता है कि बेटे, पक्का बन सकता है, मैं अभी समझा रहा हूं, और फिर हम लोग इसको इस तरह से
यहां से क्रॉस करते हुए ले चलेंगे, दिस इज बुल। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? दो फॉर्मूले है देखा जाए तो, 1500 प्लस 115 सर मतलब इस प्लस ये क्या था मैक्सिमम लॉस, तो लोअर एक्सरसाइज प्राइस कितना है 1500 प्लस 115 तो कितना आ गया 1615। दूसरा यहां फोकस करोगे 2000 पे तो मेरा फायदा है, कितने का फायदा 385, तो यार 2000 से कम होना चाहिए और 2000 से कम तो क्यों 2000 के बाद से तो फायदा है तो 2000 से कम ही होना चाहिए और इतना कम हो कि जो फायदा हो वो माइनस कर देंगे। तो एक फॉर्मूला और बन सकता है सर, क्या बन सकता है, हायर एक्सरसाइज प्राइस माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसे भी निकाल सकते हो। सर हायर एक्सरसाइज प्राइस कितना है 2000, प्रॉफिट कितना है 385, तो भी आंसर कितना आएगा 1615। पर फिर भी मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, बीपी तो आपकी फीलिंग्स से निकलना चाहिए। अब सुन इस पे ऑफ पे आइए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां देखो सर मैक्सिमम लॉस होगा, हां बेटे लॉस होगा, कितने का लॉस होगा 115 ठीक है, अब सब प्रॉफिट भी तो लिमिटेड है, हाँ प्रॉफिट भी तो लिमिटेड है। अगर सुनो बेटे पहली बार जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी यहां की कि सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते, अगर मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदता तो डायग्राम ना कुछ और ही तरीके से, सिर्फ कॉल खुला कॉल तो बेटे यहां लॉस कितने का हो जाता 240 ठीक है, और पे ऑफ कुछ ऐसा बनता ये तो 1500 होता, पर ये इस तरह से निकल जाता ठीक है। ये समझो बेटे अगर सिर्फ मैं कॉल ऑप्शन खरीदूं तो मेरा डायग्राम ऐसे निकलता। सर इसका मतलब क्या, लॉस तो बहुत ज्यादा होता, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता, प्राइस बढ़ते जाता बेटे, लेकिन ये बेकार की बात है, इसमें तो कहां अनलिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ये बुल। सर इसमें क्या हो रहा, सिर्फ 115 रुपए जाएगा जाएगा तो जाएगा, हां एक बात है लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। बुल क्यों बोल रहा हूं, बुल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम होने पर लॉस है, मार्केट बढ़ेगा तभी प्रॉफिट कमाओगे ठीक है। तो ये था मेरा बुल स्ट्रेटजी, किसके साथ किया था मैंने कॉल ऑप्शन के साथ। अगला क्या कर रहा हूं बेयरिश, किसके साथ पुट, पुट को, पुट ऑप्शन को यूज करके बेयरिश समझाने की कोशिश करूं।